लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 195 प्रत्याशियों की इस सूची में उत्तर प्रदेश में 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी यूपी के 29 सीटों पर भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इसे लेकर पार्टी में अभी विचार मंथन चल रहा है। जिन 29 सीटों के लिए अभी पेज फंसा हुआ है उसमें प्रयागराज की 2 सीटें शामिल हैं, जिसमें इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर सीट शामिल है। प्रयागराज की इन 2 सीटों में सबसे ज़्यादा पेज जिस सीट को लेकर फंसा हुआ है वह है फूलपुर संसदीय सीट। फूलपुर संसदीय सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती रही है। आपको बता दें कि इसी सीट से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इसके अलावा बीपी सिंह भी यहीं से चुन के गए थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि इस सीट में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी की केसरी देवी पटेल इस समय यहाँ की सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसके सहयोगी दल अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से सांसद हैं उनके भी यहीं से लड़ने की इस समय चर्चा चल रही है, जिसको लेकर केसरी देवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के समर्थकों में काफ़ी पेच फंसा लग रहा है। आपको बता दें कि फूलपुर संसदीय सीट में 19 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक महिलाएं हैं। शायद यही वजह है कि इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला प्रत्याशी को ही मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन उसके पास जो 2 विकल्प हैं उसमें एक अपना दल एस है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल हैं। फूलपुर संसदीय सीट में 18 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या पटेल वोटर्स की है। पटेल मतदाताओं की संख्या 3 लाख के आसपास बताई जाती है। इसी वजह से जो भी पार्टी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारती है वो इस वोटर्स को जरूर ध्यान में रखती है। अनुप्रिया पटेल की भी पसंदीदा सीट यही फूलपुर मानी जा रही है क्योंकि यहां पर पटेल वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। पटेल वोटर्स के बाद यहां पर दूसरे नंबर पर मौर्य और दूसरे मुस्लिम वोटर्स आते हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने अपने अपने कैलकुलेशंस कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो उसका अपना चेहरा है वो है वर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल का। केसरी देवी पटेल निर्विवाद नेता हैं, महिला हैं और साथ साथ पटेल समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी यह भी देख रही है कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई मजबूत चेहरा आता है तो उसे भी उस हिसाब से इस सीट पर बार्गेन करना होगा। फूलपुर संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत कर गए थे, वो भी रिकॉर्ड मतों से। इसके बाद केसरी देव पटेल ने यहाँ पर विजय हासिल की थी, लेकिन इसी सीट पर भाजपा एक बार हार चुकी है, जिसमें कौशलेंद्र पटेल जो उसके प्रत्याशी थे वो पराजित हो गए थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को फूक फूक कर कदम रख रही है और इसी वजह से शायद अभी तक उसका कोई प्रत्याशी यहां के लिए घोषित नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मार्च के आसपास दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और इस बात की पूरी संभावना है कि उस लिस्ट में प्रयागराज की फूलपुर सीट का भी जिक्र होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।